जय श्री कृष्णा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जन्माष्टमी स्पेशल साबूदाने की गुड़ की खीर। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई चढ़ा लिया है और उसमें हाफ टेबल स्पून घी ऐड कर लेंगे। लगभग हाफ कप साबूदाना ऐड करेंगे इस घी में। साबूदाने को मैंने अच्छे से धो लिया है और 10 मिनट तक के लिए पानी में सोक करके रख लिया था। साबूदाने को इस घी के साथ 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। हमारी साबूदाने अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें हाफ लीटर फुल क्रीम मिल्क ऐड करेंगे। मैं हाफ लीटर को 2 बार में धीरे धीरे इस साबूदाने के साथ ऐड करूंगी। ध्यान रखिएगा, दूध के ऐड होने के बाद साबूदाने को अच्छी तरह से चलाते रहें, नहीं तो साबूदाना नीचे से सटने लगेगा। इस तरह से हमें बीच बीच में इसे चलाते रहना है ताकि साबूदाना नीचे बिल्कुल भी लगे ना। तो ये देखिए, दूध बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुकी है और थिक भी होनी स्टार्ट हो गई है। अब हम यहाँ पर गुड़ ऐड करेंगे। यहाँ मैंने करीबन 2 बड़े चम्मच गुड़ यानी कि 50 ग्राम के आसपास लिया है। गुड़ को अच्छे से इस खीर में मिक्स करेंगे। गुड़ के मिक्स होते ही देखिए खीर का कलर कितना अच्छा होना स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए खीर बिल्कुल अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है और अब इस मोमेंट पे हम यहाँ ड्राई फ्रूट्स, चॉप ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स के ऐड करने के बाद खीर को 2 मिनट तक और पकने देंगे। तो 2 मिनट हो चुकी है और खीर बिल्कुल ही रेडी है। खीर बहुत ही अच्छी टेक्सचर में गाढ़ी और क्रीमी बनी है। तो इसे थोड़ी देर ठंडे होने देंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। तो खीर बिल्कुल ही रेडी है। मैंने इसे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, रोज पेटल्स और अनार के दानों के साथ अच्छे से गार्निश कर लिया है। देखिए इस खीर की टेक्सचर को, कितनी क्रीमी दिख रही है ये खीर। देखते ही मुंह में पानी आ गया होगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपको। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।